बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज आपसे शेयर करूंगी इंशाल्लाह मुंबई का फेमस ईरानी कीमा की रेसिपी। और आप सब कैसे हैं? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी बेटियां, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। और मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब ना कीजिए, और इसी तरीके से सपोर्ट बढ़ाए रखे। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट किया। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। बनाते हैं मुंबई का फेमस ईरानी कीमा। तो इसके लिए मैंने 300 ग्राम के करीब की बीफ का कीमा ले लिया था। उसको अच्छे से वॉश करके छन्नी में उसका सारा पानी निकाल लिया था। और चूल्हे पे मैंने कुकर रख दिया था। कुकर में मैंने कीमा ऐड कर दिया है और एक बड़ी साइज़ की प्याज को चॉप करके डाला था। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर और थोड़ा से सॉल्ट। और इसकी लगातार भुनाई करूँगी मैं। और भुनाई करने के बाद आगे मैं डालूँगी कुछ मसाले। जैसे इसकी भुनाई हो गई थी ना, इसके बाद मैंने इसमें कुछ खड़े मसाले डाले थे, तो 2 से 3 लौंग, 2 से 3 काली मिर्च, एक दालचीनी का टुकड़ा और 1/2 टीस्पून के करीब डाला था मैंने सौंफ। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। अब ये सारी चीज़ों की लगातार मैं भुनाई करूँगी ताकि इसका पानी अच्छे से सूख जाए। इसके बाद मैं इसमें 1/2 ग्लास के करीब डालूँगी पानी और 2 व्हिसल आने तक इसको पका लूँगी ताकि अच्छे से बॉयल हो जाए। ये खाने में इतना मज़े का बनता है ना, माशाल्लाह से। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ पे बॉयल हो गया था कीमा और प्याज भी मेल्ट हो गई थी। इसके बाद मैंने इसको साइड में रख दिया था और चूल्हे पे मैंने रख दी थी कढ़ाई और उसमें 1/2 प्याली के करीब डाला था ऑयल। और ऑयल डालने के बाद मैं इसमें 1/2 टीस्पून के करीब डालूँगी साबुत जीरा और 1 टेबल स्पून के करीब डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। 1/2 टीस्पून के करीब डालूँगी हल्दी। 2 टेबल स्पून के करीब मैं डालूँगी धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून के करीब डालूँगी लाल मिर्च पाउडर। मैं लाल मिर्च का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा नहीं करूँगी, मैं इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल ही ज़्यादा करूँगी। और सॉल्ट थोड़ा से ही डालूँगी मैं इसमें और 1/2 टीस्पून के करीब डालूँगी होममेड गरम मसाला पाउडर। और पानी डाल के मैं मसाले की अच्छे से भुनाई करूँगी। और मैंने एक पेस्ट रेडी कर लिया था, कुछ धनिए के पत्ते, 3 से 4 हरी मिर्च और मेरे पास पालक रखी हुई थी ना, तो 3 से 4 पत्ते मैंने पालक के ले लिए थे। अगर आपके पास पालक हो तो ठीक है, नहीं तो उसे स्किप भी कर सकते हो। और उसका मैंने एक पेस्ट बना लिया था, वो पेस्ट मैं इसमें ऐड करूँगी। और ये पेस्ट रेडी हो गया था, धनिए के पत्ते, हरी मिर्च और कुछ पालक के पत्ते। अब मैं पेस्ट को भी इसमें ऐड कर दूँगी और इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी ताकि सारी चीज़ों की अच्छे से भुनाई हो जाए और इसका तेल बाहर आने लगे। इसी तरीके का पेस्ट बना के आप लोग ज़रूर डालिए कीमे का, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। स्ट्रीट फूड की तरीके से ही कीमा बनता है। और यहाँ पे मैंने 1/2 कैप्सिकम को लेके छोटे छोटे पीस कर लिए थे, उसके वो इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहो तो मटर भी डाल सकते हो, पर मैंने कैप्सिकम ऐड की थी। और यहाँ पे बॉईल किया हुआ कीमा भी मैंने ऐड कर दिया था इसमें। और कीमा डालने के बाद मैं इसकी भुनाई करूँगी। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी खटास के लिए 2 चम्मच के करीब दही। ये मेरा होममेड दही था और बिल्कुल खट्टा नहीं था ये, तो मैंने 2 चम्मच के करीब इसमें दही ऐड किया है। अब ये सारी चीज़ों की मीडियम आंच पे मैं भुनाई करूँगी और इसको अच्छे से पकने दे दूँगी ताकि थोड़ा से पानी इसका सोख जाए और कीमा अच्छे से ड्राई हो जाए। और यहाँ पे माशाल्लाह से ये अच्छे से पक गया था, इसका तेल अच्छा खासा बाहर आ गया था, तो मैंने इस गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था और इसे डिसआउट कर दिया था। और आप इसे बटर रोटी, तंदूरी नान, चपाती या नान के साथ भी खा सकते हो, ये बड़े मज़े के लगते हैं। और आपको आज की मेरी ये मुंबई के फेमस से ईरानी कीमा की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं ना आपको, तो लाइक दीजिए, आगे शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को इसी तरीके से सपोर्ट कीजिए।
चलती हूँ जी, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।